हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। आई एम रणधीर यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे रिगार्डिंग समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी टोटल बजट एंड लाइक हाउ टू अप्लाई इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो वीडियो बहुत प्रिस्क्राइब वे में होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए स्पेशली। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको ये आइडिया लगेगा कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एग्जैक्ट बजट कितना है उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि कई ऐसे एजेंट्स होते हैं ना, वो आपको बताएंगे कि हाँ सर, आपका हम बच्चे का 6 लाख में करवा देंगे, 7 लाख में करवा देंगे, 8 लाख में करवा देंगे। एक्चुअली वो करवा देंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट बजट होता है ना वो आपको क्लियर नहीं करते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोसेस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका बजट अप डाउन होता है, किसी का सही चल जाता है या किसी का ज़्यादा हो जाता है। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी कोई स्टार्ट करो काम को तो हर चीज़ को लेकर चलो। और ख़ास करके जो बच्चे MBBS अब्रॉड में आते हैं तो उनको जो बजट का प्रॉब्लम होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे अगर मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो स्पेशली समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो बच्चे प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी हो और दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में होगा। तो वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समारा सिटी के अंदर है। मॉस्को से अगर बात करें तो फ़्लाइट का करीब 2 घंटे के आसपास लगता है, और ट्रेन की बात करें तो 18 से 20 घंटे के आसपास लग जाता है। और बेस्ट वे अगर समारा आने की बात करें तो समारा सीधा फ्लाइट से आ सकते हो, दुबई फ्लाई दुबई करके एयरलाइन से वो डायरेक्टली समारा आती है, मतलब दुबई जाती है, दुबई से फिर समारा आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो फ़्लाइट का कॉस्ट होता है अगर मॉस्को से कंपेयर करें अगर समारा का, तो ऑलमोस्ट एवरेज उतना ही पड़ता है, 5-7 हज़ार का डिफरेंस पड़ जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हो समारा के लिए तो आप कोशिश करो कि डायरेक्टली समारा हो, ताकि आपका ट्रैवल टाइम कम हो, बाकी जो प्रोसेस होती है आपको आसानी से लगे हो जाए, और जो काम हो वो थके ना आप, मतलब अब काम अच्छे तरीके से निकाल लो, ठीक है। और बाकी समारा सिटी काफ़ी खूबसूरत है यार। मैं देखो बेसिकली बताऊँ तो विंटर थोड़ा तो हार्श होता है रशिया में, वैसे आपको बता दूँ कि कोल्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर समर की बात करें तो समारा समर के टाइम में काफ़ी खूबसूरत होता है। वोल्गा रिवर है, उसके आसपास बच्चे भी जाते हैं, कई बाहर से टूरिस्ट लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है समारा। और बाकी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हॉस्टल का कंपैरिजन करें तो हॉस्टल के आसपास ही सारे कैंपस, मोस्ट ऑफ द कैंपस अगर हम देखा जाए तो टोटल डिपार्टमेंट जो पूरे MBBS कोर्स के अंदर जो आता है उसमें जो मेन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी क्लोज है। मतलब अगर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मतलब हमारा क्लिनिक बिल्कुल जो क्लिनिक डिपार्टमेंट है वो हमारा हॉस्टल के बिल्कुल पीछे ही है, हॉस्टल टू का। और जो कुछ पैथ फिजियोपैथ एनाट की जो क्लासेस है थोड़ा सा वो दूर पड़ता है फर्स्ट ईयर में, बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस बहुत नज़दीक है, दिक्कत नहीं होता है किसी बच्चों को। और ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, कुछ जगह पर मेट्रोज भी जाती है, यहाँ पर समारा के अंदर मेट्रोज हैं और कुछ जगह बस से जाती है, तो कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं हमें दूर है क्लास और हमें कैब से जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से जा सकते हो। बाकी नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कि तो सबसे पहले मैं बता दूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लो बजट यूनिवर्सिटी है, दूसरी चीज़ें क्वाइट गुड एक्सपेंसिव नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, तीसरा यहाँ पर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल है उसके अंदर ही मेस अवेलेबल है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चों को आसानी से फूड अवेलेबल हो जाता है, इंडियन फूड होता है वो बिल्कुल भी। और तीसरा चीज़ बताऊँ जो क्या बोलते हैं जॉब, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिसका बजट अच्छा नहीं होता है या सोचते हैं कि हम यहाँ आकर जॉब कर सकते हैं, तो देखो ऐसा होता है कि तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा जॉब करने के लिए समारा के अंदर, क्योंकि क्लासेस होती है फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा, तो जॉब करने का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर फिर भी तुम जॉब करना चाहते हो तो समारा में अगर तुम्हारा लैंग्वेज आता है, रशियन लैंग्वेज सीख जाते हो, तो आसानी से जॉब मिल जाती है कहीं भी किसी भी एरिया में। और पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अरब स्टूडेंट्स हैं वो कई लोग करते भी हैं, कुछ इंडियन स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, वेकेशन के टाइम में करते हैं। तीसरा चीज़ कि कुछ ऐसा चीज़ें जो हम खरीदते हैं जो हमें लोकल मार्केट में इधर उधर अगर नहीं मिलता है तो हम ई कॉम पे हम बाई करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह हो गया, तो यहाँ पर भी ओजोन करके एक वेबसाइट है उस पर आप बाई कर सकते हो। और उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं डिलीवरी करने का, एक वो खुद आके आपको कॉल करेंगे कि आपका सामान आ गया है आप ले लो जैसे इंडिया में होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि नियर बाई स्टोर में बनाओ, जैसे अगर हमारा हॉस्टल है तो हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे करीब 5 मिनट की दूरी पे ये हमारा ओजोन का एक स्टोर है जहाँ पर आप जाओ अपना सामान ले लो, आपके पास एक बारकोड टाइप से आता है आप उनको दिखाओ और वो स्कैन करेंगे और आपका सामान दे देंगे। तो हर चीज़ मान के चलो रशिया के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप
अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसे रहना चाहते हो। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो समारा में या रशिया के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं, बहुत बच्चों ने ये वीडियो देख रखी हो किसी न किसी चीज़ का कि ट्यूशन फ़ी इतना है, हॉस्टल फ़ी इतना है। लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑफकोर्स ये होता है फर्स्ट ईयर में, ये बहुत आम सी बात है। मैं खुद जब एडमिशन लिया था तब मेरे साथ भी ये चीज़ें फेस हुआ था, क्योंकि मैं उतना एक्यूरेट नहीं किया था, क्योंकि ट्यूशन फ़ी हॉस्टल फ़ी सोच के चला था, इतना ट्यूशन फ़ी इतना हॉस्टल फ़ी है बस। लेकिन मैं कंप्लीट बताऊंगा कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब तुम इनरोल होते हो या जब तुम यहाँ आने का प्लान करते हो तो कितना बजट तक चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्यूशन फ़ी हॉस्टल फ़ी, इन दोनों तो एकेडमिक फ़ी हो गया, एकेडमिक फ़ी को साइड कर लेते हैं। जो ट्यूशन फ़ी है वो तुम्हारा 3,30,000 रूबल हो गया, जो हॉस्टल फ़ी है वो 35,000 रूबल हो गया। तो 3,30,000 रूबल प्लस 35,000 रूबल टोटल 3,65,000 रूबल के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा टोटल एकेडमिक का हो गया, जो कि मतलब तुम्हें यूनिवर्सिटी में जमा करनी है यहाँ आने के बाद, या तुम वहाँ से किसी के थ्रू यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट कर दो, वो होता है। ठीक है, ये एकेडमिक के अलावा क्या क्या चीज़ें हमें लग जाती है वो हम बात करते हैं, क्योंकि जो बजट बढ़ाता है हमारा टोटल यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग में, वो हमारा एकेडमिक के अलावा जो चीज़ें लगती है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें एकेडमिक के अलावा लगती है। तो सबसे पहले बता दूँ कि एक लगती है मेस का चार्ज, जो कि तुम फर्स्ट ईयर में जब आते हो तो मेस लेते हो। दूसरी हो गई तुम्हारा OTC, जब किसी के थ्रू एडमिशन लेते हो, जो कंपनीज काम करती है यूनिवर्सिटी के साथ वर्क करती है, तो कंपनी उसको कुछ पे करती है यूनिवर्सिटी को, या कंपनी उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें करती है तो वो OTC लेती है, तो OTC पे करते हैं हम। और तीसरा चीज़ हो गया कंसल्टेंसी, जो कि जैसे हम किसी के थ्रू काम करवाते हैं तो वो कुछ प्रोसेस इंडिया में करवाते हैं, कुछ प्रोसेस यहाँ आने के बाद कराते हैं। और चौथा चीज़ हो गया मेडिकल। इन सब चीज़ें होती है, स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो बस वो चीज़ें बताते हैं जिस चीज़ों में आप उसको मतलब फॉलो करके आसानी से उसको फॉलो कर लो और उनके थ्रू आ जाओ, और वो बस आपसे पैसा अर्न कर ले, दैट्स इट, उनका कोई मैटर नहीं होता। लेकिन हर एक चीज़ को जानो, हर एक चीज़ को पॉइंट आउट नोट करो और समझो, काफ़ी ज़रूरी होती है। अब मैं तुमको बता दूँ कि कैसे कैसे होता है। ट्यूशन फ़ी हॉस्टल फ़ी जो तुम्हारा हो गया वो हो गया 3,30,000 ट्यूशन फ़ी और 35,000 तुम्हारा हॉस्टल फ़ी, इन दोनों रूबल में होता है, तो टोटल 3,65,000 रूबल बन जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है तुम्हारा मेस जो होती है $1,200 होती है। अगर $1,200 को अगर INR में कन्वर्ट करो तो वो तुम्हारा करीब 1,00,000 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है OTC भी समारा के अंदर $1,200 लगती है। ठीक है, लगती है, साफ साफ है, बहुत लोग बहुत हिडन चीज़ों को बोलते हैं, पर फिर मैं क्लियर बोलता हूँ कि $1,200 लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो वो एक तुम्हारा चार्ज लग जाएगा $1,200। अब दूसरी होती है कंसल्टेंसी। अब देखो, कंसल्टेंसी का ऐसा सीन है कि वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसके थ्रू एडमिशन करवा रहे हो, क्या तुमने बात किया है, क्या तुमने डील किया है, या कैसे उन्होंने तुम उनसे बात करके क्या चीज़ें सॉर्ट आउट किया, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। बट मैं तुम्हें बीच का बता देता हूँ कि कितना से कितना बीच में लग सकता है। अगर तुम 1,50,000 तक भी जा रहे हो ना, अगर किसी को दे रहे हो, तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट में आओगे, हाँ ठीक है, इतना बजट में चल जाएगा। लेकिन अगर जहाँ तुम 1,50,000 के ऊपर पार कर रहे हो ना कंसल्टेंसी फ़ी, वहाँ पर तुम समझ जाना कि भाई कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कंसल्टेंसी फ़ी पे कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर, इवन मैं समारा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर तुम इससे ज़्यादा बजट दे रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बिल्कुल सोच समझ कर दूँ। और बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारा टोटल बजट पड़ेगा ना समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो करीब 6,50,000 से 7,00,000 के आसपास आएगा। इसको टिकट के एक्सक्लूड कर लो, क्योंकि टिकट इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन क्यों बताता हूँ, देखो, जो ट्यूशन फ़ी है तुम्हारा 3,65,000 रुपये हो गया ट्यूशन और हॉस्टल। उसके बाद अगर 1,00,000 रुपये अगर मेस जोड़ लो तो 4,65,000 हो गया, और 1,00,000 रुपये OTC जोड़ लो तो 5,65,000 हो गया। ठीक है, और अगर कंसल्टेंसी अगर 1,50,000 भी जोड़ता हूँ, जो कि मैं बताया हूँ कि मैक्स है, इससे ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो 5,00,000 + 50,000, 6,00,000 और 1,00,000, 7,00,000, मतलब तो 7,00,000 में तुम्हारा टोटल कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ईयर का। और इसके अलावा एक मेडिकल लगता है। ठीक है, जब तुम रशिया में आते हो तो तुम्हारा 3 महीने का वीज़ा होता है। 3 महीने का वीज़ा होने के कारण क्या होता है, तुम्हें अब वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तुम यहाँ रहोगे तुम्हें वीज़ा एक्सटेंड करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई इंडिया से स्टूडेंट रशिया आता है तो उसका 3 महीने का ही वीज़ा लगता है। तो इवन हम भी आते हैं तो हमें भी वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, तो उसका ज़्यादा चार्ज नहीं है, 20,000 रूबल है
फिलहाल जब इससे पहले ईयर जो बच्चे आए थे उनके 12 से 15 हज़ार रुपये लगे थे, पर रिसेंटली अभी फ़िलहाल हमें खुद हर ईयर हम जैसे वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तो पहले तो हम कम करते थे पर रिसेंटली कुछ प्राइजेस बढ़ गए हैं तो 20 हज़ार के आसपास पहुँच गए हैं। तो यही रहता है टोटल बजट, मान के चलो कि 7 लाख के अंदर तुम्हारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए समारा के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर तुम्हारा 7 लाख से कम बजट है तो आई होप कि तुम्हें यूनिवर्सिटी एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम कोई काम करा रहे होते हो ना फिर बीच में अगर बजट प्रॉब्लम करती है ना तो उसके कारण तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, और जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होता है ना तो तुम और भी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हो। और मेरे अनुसार से एक नया जर्नी स्टार्ट करने से पहले तुम इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ, फाइनेंशियल कंडीशन को अपना देख लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। और इन सब चीज़ें अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है इसके बारे में तो तुम एक काम कर सकते हो, मेरा जो नंबर है नीचे दिया हुआ है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि भैया क्या चार्जेस लग सकता है, कितना कितना कब चार्जेस लग सकता है, कैसे पे करना है, क्या हम इन सब लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ समारोह में हूँ, बहुत बच्चों के साथ स्कैम फ्रॉड होते देखा है मैंने। कई बार बच्चे यहाँ आने के बाद बोलते हैं भैया हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एक्चुअली क्या होता है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करो कि किसी के थ्रू भी आओ, मेरे या कोई भी बंदा जिस जो तुम्हें गाइड कर रहा उससे अच्छे से गाइडेंस लो, अच्छे तरीके से आओ ताकि प्रॉब्लम ना हो। और दिस इज़ ऑल, अगर तुमको लगता है कि फिर भी तुमको कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करके पूछो और मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। उसके बाद मेरा नंबर है उस पर तुम मैसेज करो और मैं उसमें भी तुम्हें रिप्लाई दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। इसी पॉइंट पे हम आते हैं कि हाउ टू अप्लाई इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बता दो कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। कई बच्चे हैं जो शायद ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अगर तुम्हें अप्लाई करना है सीरियसली, तुम्हें लगता है कि हाँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आना है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को नीट तक वेट कर लेना चाहिए तो ऑफकोर्स तुम वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर पूछेंगे कि भैया मतलब क्या क्या चीज़ें को मतलब ज़रूरत है आने के लिए, तो सबसे पहले बता दूँ कि अगर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो तुम्हें फ़िलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और तुम्हारा जो पासपोर्ट है उसका फ़ोटो कॉपी, बस इतने की ज़रूरत पड़ता है। उसको तुम सारे चीज़ों को तुम फॉरवर्ड कर दो जिनके थ्रू तुम प्रोसेस करा रहे हो, वो तुम्हें सारा चीज़ प्रोसेस करके वो एक एडमिशन के प्रोसेस में तुम्हें डाल देंगे ताकि जब तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, जब तुम सोच बात करो उनसे कि फर्दर प्रोसेस मेरा स्टार्ट कर दो, मैंने प्लान बना लिया है, अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे जाना ही है, तो वो क्या करेंगे तुम्हारे एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करके फर्दर वो एडमिशन लेटर दिलवाएंगे, फिर इनविटेशन लेटर दिलवाएंगे। इनविटेशन लेटर दिलवाने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा रशिया का, और फिर तुम अपना प्लान कर सकते हो तुम्हें कैसे आना है। और ये सारा चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप जो जिनके थ्रू तुम एडमिशन करवाते हो या जिसके थ्रू तुम प्रोसेस करवाते हो वो तुम्हें हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को, तो अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डिटेल में तुम्हें बता दूंगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अभी रिसेंटली मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगा यूनिवर्सिटी के डिटेल्स में, लाइक हॉस्टल के बारे में, कैंपस के बारे में और सिटी के बारे में। अभी थोड़ा सा हमारे क्लासेस बहुत तेज़ चल रहे हैं तो वो हो नहीं पा रहा है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।